चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा राजेश मसाले, देश मसाले। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है, मैं फल शेख। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों। भिवंडी बाईपास पिंपल्स गांव के पास एक गैस टैंकर के साथ दो ट्रक पलटी। ठाणे से सटे भिवंडी में हादसों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं सोमवार को आधी रात से शुरू होकर सुबह तक हुई बेमौसम बारिश की बूंदाबांदी। भिवंडी बाईपास से सटे पिंपलास फाटक के पास एचपी गैस से भरी टैंकर ड्राइवर का ब्रेक फेल होने से खाई में जा गिरी। टैंकर गैस से भरा होने के कारण आसपास के लोगों में डर का माहौल हो गया है। वहीं हाईवे पर भी दहशत फैल गई है। एक ही जगह पर दो और ट्रक भी पलटी हुई थी। यह घटना सुबह के तकरीबन 7 से 7:30 के बीच हुई है, जिससे वाहन नागरिकों में भय का माहौल पैदा हो गया है। उल्लेखनीय है कि इस राजमार्ग पर ठाणे या नासिक से आने वाले भारी वाहन तेज गति से चल रहे हैं, जबकि इस राजमार्ग पर पिंपलास गांव के पास तकरीबन 15 से 20 दिन पहले एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। वजह यह भी बताई जाती है कि यहाँ वाहनों की तेज गति के कारण यहाँ अनेक घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन स्थानीय ग्राम पंचायत सहित यातायात विभाग और राजमार्ग प्रशासन इस समस्या के समाधान के लिए कोई कदम उठाते नहीं दिखते हैं, इसलिए यहां दुर्घटनाओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पुलिस ने कहा कि सौभाग्य से सोमवार सुबह और सुबह होने वाली 3 दुर्घटनाओं में कोई भी घायल नहीं हुआ। इस संबंध में कोनगांव पुलिस स्टेशन में दुर्घटना का मामला दर्ज कर आगे की जाँच कर रही है। उल्लेखनीय है कि हाईवे की लोहे की दीवारों को 4-5 लैप में तोड़ने के बाद गैस टैंकर खेत में पलट गया, जिसके थोड़ी देर बाद कंटेनर और ट्रक भी पलटी हो गए। इन 3 दुर्घटनाओं के कारण नासिक की ओर नासिक मुंबई राजमार्ग पर 1 घंटे के लिए जाम हो गया था। ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन की मदद से कंटेनर और ट्रक को उठाना शुरू कर दिया है और 3 घंटे के बाद यहां ट्रैफिक जाम को साफ किया गया। इस बीच पलटा हुआ गैस टैंकर भरा हुआ है और गैस रिसाव की आशंका है, इसलिए स्थानीय ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द गैस टैंकर को मौके से हटा दिया जाना चाहिए और प्रशासन को दुर्घटना के मौसम को रोकने के लिए उचित उपाय करने चाहिए। आशीष राजभर की रिपोर्ट। कैसे क्या हादसा हो गया? हादसा ये हुआ, गाड़ी मैंने ओवरटेक किया, ठीक है, ब्रेक लिए, ब्रेक नहीं आए, स्टीयरिंग काटा तो स्टीयरिंग फेल हो गया, ब्रेक भी नहीं आया, स्टीयरिंग फेल हो गया, गाड़ी तरह के गिर गया। कितने बजे हुआ ये हादसा? ये पिछले वाला गाड़ी जो गिरा है वो गिरा है 7 बजे, ठीक है। मेरी गाड़ी गिरी है 7:30 बजे, आधा घंटा आगे पीछे हुआ।